यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शिमला से बड़ी खबर आ रही है, शिमला पुलिस ने चरस के दो मामले पकड़े हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के दो मामले पकड़े हैं और रामनगर में 21 वर्षीय युवक से 145 ग्राम चरस पकड़ी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टिम्बर हाउस के समीप 26 वर्षीय युवक से 30 ग्राम चरस बरामद की है और मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिमला से पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ा है और यहां पर दो मामले हाथ में आए हैं। रामनगर में 21 वर्षीय युवक से 145 ग्राम चरस पकड़ी है और वहीं दूसरी ओर टिम्बर हाउस के समीप 26 वर्षीय युवक से 30 ग्राम चरस बरामद की है। तो यहां पर नशों पर लगाम लगाते हुए पुलिस ने छापेमारी करके एक बड़ी सफलता हासिल की है और दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में चरस को काबू में लिया है। तो शिमला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और यहाँ पर प्रदेश में लगातार नशे की जो खेप है वो बढ़ती जा रही है और इनके ऊपर काबू पाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है और यहाँ पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। रामनगर में 21 वर्षीय युवक से 145 ग्राम चरस बरामद की गई है और टिम्बर हाउस के समीप 26 वर्षीय युवक से 30 ग्राम चरस बरामद की गई है और मामला दर्ज कर पुलिस जो है वो छानबीन में जुट गई है और आगे पुलिस और छापेमारी कर रही है कि कहीं जितने भी ये युवक पकड़े गए हैं क्या इनके तार किसी और राज्य से जुड़े हुए तो नहीं हैं। तो इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।